तो भाई पठान का ट्रेलर आ चुका है जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। शायद पठान एक लौती ऐसी मूवी है जिसको हेट भी मिल रहा है, जिसको प्यार भी मिल रहा है और साथ में कंट्रोवर्सी भी। तो फाइनली इसका ट्रेलर देखने के बाद कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जैसे इसका VFX डायलॉग्स बहुत ख़राब है। जो मेरे फर्स्ट रिएक्शन आते इसके ट्रेलर देखने के बाद वो ठीक ठाक ही थे। मतलब शाहरुख खान की मूवी जिसमें एक्शन मसाला रोमांस सबको देखने को मिलेगा, पर इस बार थोड़ा हटके और बड़े लेवल पे। शाहरुख खान के पठान में एक स्पाइनोस का हिस्सा होने वाली है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे इसके ट्रेलर का लगा वो था इसका VFX। कुछ कुछ जगह पे काफ़ी नकली लगने लगता है, खासकर शाहरुख खान का ओपनिंग सीन जहाँ पर वो एक हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं। वो शॉट काफ़ी कंजेस्टेड लगा क्योंकि एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त। तो शाहरुख खान की मूवी है, हम उनकी मूवी में VFX को अच्छा एक्सेप्ट करते ही है जैसे उनको प्रीवियस मूवी में था। और भाई पठान बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकती है क्योंकि बॉलीवुड के दिन अभी अच्छे चल नहीं रहे। तो शाहरुख खान बॉलीवुड किंग है, तो किंग को किंग जैसा परफॉर्मेंस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर उनकी मूवी वैसे ही निकलने लगी तो भाई सब खत्म हो चुका है। एंड तो ये मूवी एक स्पाई थ्रिलर मूवी होने वाली है, मतलब इसमें भर भर के देशभक्ति आपको देखने को मिलेगी। इसमें डायलॉग्स भी आपको वैसे ही चाहिए, पर इसके ट्रेलर में डायलॉग इसके बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं और भाई सुनने में मज़ा नहीं आता। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाला जिन्होंने से पहले वॉर को डायरेक्ट किया था, जो कि शायद से बॉलीवुड की अब तक सबसे बेस्ट एक्शन मूवी थी, वॉर वो भी इसका हिस्सा होने वाली है। तो शायद से हमें इस मूवी में काफ़ी सारे कैमियोज देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। 25 जनवरी को ये मूवी थिएटर में आएगी तो तब देखेंगे इस मूवी ने क्या कमाल किया है। पर मुझे तो बड़े स्क्रीन पर इसके VFX देखने हैं, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पठान मूवी की अब तक की सबसे अच्छी बात वो लगी इसका म्यूजिक। तो पठान मूवी एक तरफ है, उसके म्यूजिक एक तरफ है, तक इसके म्यूजिक ने हमको बिल्कुल निराश नहीं किया है। चार पर इसके दोनों गाने क्यों ना हो या फिर ट्रेलर के बीच में चलने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके पूरी मूवी से। तो अगर आपने पठान का ट्रेलर देख लिया होगा, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना।